हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। देख रहे हैं हम फ्रेंच डिफेंस में वेरिएशन मिनरल बेरी गैम्बिट के बारे में। आज मैं कुछ आपको अलग गेम्स दिखाऊंगा मिनरल बेरी गैम्बिट की। चलिए शुरू करते हैं हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस। दोस्तों, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मेरे लगातार वीडियो हर एक ओपनिंग में बैक टू बैक हर एक वेरिएशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। E4, E6, इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे फ्रेंच डिफेंस के बारे में मिनरल बेरी गैम्बिट के, ये तीसरा वीडियो है। देन D4, D5, E5, C5, यहाँ पे सेंटर ब्रेक करने का मूव होता है C5, उसके रिप्लाई में C3 खेलते हम, ब्लैक खेलते हैं नाइट C6, नाइट F3, यहाँ पे सभी जो D4 स्क्वायर पे, पूरी गेम D4 स्क्वायर पे खेली जाती है, ये खास ध्यान रखना है आपको। ब्लैक खेलेगा Qb6, यहाँ पे D4 पे प्रेशर बनाएगा ब्लैक और हम उसे सपोर्ट बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ट्रैप हम यहाँ पे लगाते हैं Bd3, ट्रैप मैंने बताई है इससे पहले के वीडियो में। अगर ब्लैक पॉन टेक्स पॉन करता है, पॉन टेक्स पॉन देन नाइट टेक्स, और उसकी क्वीन ट्रैप हो रही है डिस्कवर चेक के बाद, आप मूव करके देख लीजिएगा। हम यहाँ से आगे चलते हैं, ब्लैक पॉन टेक्स पॉन C takes D4, और यहाँ पे परफेक्ट मूव होता है Bd7। अब ट्रैप में ब्लैक फंसने वाला नहीं है, तो सिंपल वेरिएशन कैसल, यहाँ पे सेंटर पॉन सेक्रीफाइस कर, आफ्टर नाइट टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स D4, नाइट C3 और क्वीन टेक्स E5, वन मोर पॉन सेक्रीफाइस यहाँ पे, और इसके सामने खेलना है रुक E1, Qb8, नाइट टेक्स D4, आफ्टर नाइट टेक्स D5 ब्लैक खेलेगा Bd6, क्वीन G4, किंग F8, G6 प्लेएबल है लेकिन थोड़ी वीकनेस बढ़ती है इसमें, किंग F8, Bd2, यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 का पॉन हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कैप्चर नहीं कर रहा है। Bd2, Qd5, यहाँ पे पीस सेक्रीफाइस, आफ्टर क्वीन टेक्स D7, D6 बिशप पे अटैक, नाइट F6, आफ्टर क्वीन F5, क्वीन C8, और यहाँ बिशप F4, आफ्टर बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, क्वीन B8, ब्लैक ट्राई कर रहा है क्वीन एक्सचेंज का, क्योंकि ब्लैक के पीसेस डेवलप नहीं है और वाइट के ऑल पीसेस वेल डेवलप है, जो ब्लैक ने कैसल भी नहीं किया है, बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है। लेकिन हम एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम अटैक में हैं, तो क्वीन B4 चेक, किंग G8, और यहाँ रुक E7, G6 प्लेड बाय ब्लैक, रुक C1। अब दूसरा जो रुक है वो हम प्ले में लाते हैं, ब्लैक रिप्लाई A5, क्वीन D4, नाइट पे प्रेशर, किंग G7, रुक C7, अगेन F7 पे अटैक, फोर्स मूव है रुक F8, उसके बाद G4, G5 की थ्रेट है, H6, H4, ब्लैक प्लेड क्वीन A7 और क्वीन E5 और ब्लैक रिजाइन। इस गेम में ब्लैक ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि अब उसके पास और कोई भी मूव नहीं है गेम बचने के लिए। दूसरी गेम दिखाता हूं आपको, E4, E6, D4,
d5 c5 c3 and c6 knight f3 qb6 bishop d3 c into d4 e into d4 bishop d7. अब यहाँ पहले नाइट c3 कैसल से पहले ब्लैक ने खेला है यहाँ पे d7 ब्लैक। अब मूव ऑर्डर चेंज हो गया, ब्लैक का नाइट डेवलप हो गया है और उसके बाद ब्लैक ने पॉन कैप्चर किया है, तो पोजीशन में क्या होगा? नाइट टेक्स नाइट और क्वीन टेक्स d4, रुक नाइट b5, क्वीन टेक्स e5, रुक e1, क्वीन b8। उसके बाद यहां पे एक नया मूव है क्वीन f3। कई बार पोजीशन के ऊपर डिपेंड्स होते हैं हमारे मूव। क्वीन f3 का आइडिया जो है बिशप f4 का है, ब्लैक प्लेड e5, उसने बिशप f4 को स्टॉप किया है। अगर e5 की जगह ब्लैक इस f6 करता है यहां पे तो क्या होता है? तो f6 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां पे रुक क्रॉस e6 आफ्टर बिशप क्रॉस e6 बिशप f4 और क्वीन के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, d8 और c8। तो d8 अगर जाता है तो बिशप c7 आफ्टर क्वीन d7 नाइट d6 चेक और फोर्स आपको क्वीन मिलती है, क्वीन टेक d6 और बिशप टेक d6। तो ये एक वेरिएशन है दोस्तों। दूसरी गेम देखेंगे हम यहाँ पे, e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3 and c6 Nf3 Qb6। इतने मूव सभी गेम्स में होते हैं। बिशप d3 cd4 cd4 bd7 कैसल। कुछ गेम्स पहले नाइट c3 करते हैं कैसल से पहले, कुछ गेम में पहले कैसल कर लेते हैं। नाइट d4 दोनों में अलग अलग वेरिएशन होते हैं दोस्तों। नाइट इंटू d4 आफ्टर क्वीन टेक्स d4 बाद में नाइट c3 क्वीन टेक्स e5। अब इतने मूव आप लोगों ने देख लिए कि मूव ऑर्डर बदल के भी यहीं पे गेम आ जाती है। re1 के बाद qd6 जाते हैं तब भी नाइट b5 आपके पास बेस्ट मूव है। अब अगर बिशप टेक्स b5 होता है, हमने कई बार देखा है कि क्वीन को रिट्रीट लेके हमने देखा है, लेकिन बिशप टेक्स b5 होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे बिशप टेक्स b5 किंग d8 क्वीन h5, यहाँ पे बहुत सारे अटैक मिलेंगे आपको। जैसे कि क्वीन h5 सबसे पहले f7 के ऊपर खड़ी थी, g6 इज अ फोर्स्ड मूव आई थिंक। तो क्वीन f3 अब फिर से f7 पे ट्रेड, तो यहाँ पे f6 उसके बाद बिशप f4 क्वीन e7 rad1 सभी प्रेशर वन बाय वन आपके मूव्स में मिलेंगे। एडवांस वेरिएशन खेलने में इतने सारे मूव्स अगर आपको पता है तो एडवाइस से आप बहुत ही अग्रेसिव खेलोगे दोस्तों, बहुत ही अग्रेसिव। अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है क्वीन f7 क्योंकि रुक टेक्स d5 की थ्रेट थी, फिर भी रुक टेक्स d5 सैक्रिफाइस आफ्टर e टेक्स d5
क्वीन टेक्स डी फाइव चेक, क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन टेक्स डी फाइव पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मेट इन वन है यहाँ पे रुक टेक। तो ये थी गेम नंबर थ्री। वन मोर गेम आपको दिखाता हूं, ई फोर ई सिक्स डी फोर डी फाइव ई फाइव ब्लैक प्लेट सी फाइव सी थ्री नाइट सी सिक्स नाइट एफ थ्री क्यू बी सिक्स। सभी गेम में कौन सा मूव चेंजिंग है, इतने गेम्स देखने के बाद अब सारे मूव जो चेंजिंग वाले मूव है वो खास देख लीजिए। बिशप डी थ्री सी इंटू डी फोर बिशप डी सेवन और यहाँ पे कैसल। अब देखो कोई चेंजिंग यहाँ तक तो नहीं दिख रहा है। नाइट टेक्स डी फाइव नाइट टेक्स डी फोर क्वीन टेक्स डी फोर नाइट सी थ्री क्वीन टेक्स ई फाइव रुक ई वन क्वीन डी सिक्स। इससे पहले जो हमने देखी सेम गेम यहाँ रिपीट हो रही है, नाइट बी फाइव और बिशप टेक्स बी फाइव बिशप टेक्स बी फाइव किंग डी एट क्वीन एफ थ्री सेम मूव है। यहाँ पे क्वीन एच फाइव के बदले व्हाइट ने मूव चेंज करके पहले क्वीन एफ थ्री खेला है, मूव ऑर्डर बदल दिया है। एफ सिक्स यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क देना चाहूंगा क्योंकि ये बैड मूव है। बिशप एफ फोर ई फाइव ब्लैक ने सोचा है कि मैं सेंटर पे काफी अच्छा प्रेशर लाऊंगा, पर यहाँ पे रुक सैक्रिफाइस आ रहा है। रुक टेक्स ई फाइव आफ्टर एफ टेक्स ई फाइव क्वीन सी फाइव बिशप टेक्स ई फाइव। यहाँ पे क्वीन टेक्स ई फाइव पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन चेक एफ एच से और यहाँ पे आपको रुक मिल रहा है। तो क्वीन सी फाइव जाता है अगर ब्लैक, यहाँ पे एक और मूव है बिशप को सपोर्ट करना है। पहले ए फोर आफ्टर ए सिक्स बी फोर काउंटर अटैक आफ्टर क्वीन टेक्स बी फोर क्वीन टेक्स ई फाइव और बहुत ही जल्द में यहाँ पे चेक में है क्योंकि अगर किंग डी सेवन जाता है तो क्वीन डी सेवन चेकमेट। दोस्तों ऐसे बहुत सारे गेम्स में आपके सामने लेकर आऊँगा बहुत सारे ओपनिंग के वेरिएशन, लेकिन ये सभी देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। वीक में मैं दो या तीन वीडियो जरूर डालता हूँ आपके लिए, जरूर बनाता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद जय गुजरात।